पर ये देखो, यहाँ से बैठे बैठे हम अपने मोबाइल से अपना कारखाने का काम भी देख रहे हैं। ये देखो, यहाँ पर काम माशाल्लाह से शुरू हुआ हुआ है, कारीगर हमारे काम कर रहे हैं और इतना अच्छा लग रहा है देख के ना कि हम कैमरे से भी बैठ के देखते हैं। वैसे वहाँ पे भी जाके मैं देख लेती हूँ, लेकिन देखो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि कैसे मेहनत कर रहे हैं सब, अपना अपना काम कर रहे हैं। और बस मेरा काम है सारा कपड़ा जमा करना, मटेरियल जमा करना, इनको डिज़ाइन समझाना और इन्होंने काम करना है। कितना अच्छा लग रहा है ना ये वाला, बहुत ज्यादा माशाल्लाह। अच्छा किया ना कि कैमरा से हम बैठे बैठे यहाँ से ये देखते भी सबसे रहे। अहम चीज ही होती है कैमरा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी सब ठीक हूँ। थोड़ा बहुत मसरूफियत की वजह से व्लॉग थोड़ा लेट शुरू कर रही हूँ। अगर मैं टोटल काम अपने बिजनेस को दूं ना, फिर मैं व्लॉग टोटली छोड़ दूंगी, हट जाएगा मेरा व्लॉग से। फिर मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी व्लॉगिंग छोड़ दूं, मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको भी साथ में लेकर चलना चाहती हूँ। जितना भी बन जाए, थोड़ा बहुत रात को शाम को थोड़ा बहुत जितना भी बन जाता है, यह है कि चलो कुछ ना कुछ आप तक मैं शेयर कर पाती हूँ। बाकी इसके अलावा ताहिरा सिस्टर ने मुझे इनवाइट किया है, जाऊंगी, देखो टाइम मिलेगा एक आधे घंटे के लिए ही सही टाइम निकाल के जाऊंगी। अगर के बहुत ज्यादा बिजी हुई तो फिर शायद ना भी जा पाऊं, फिर एक दो दिन बाद फिर चली जाऊंगी। और ताहिरा सिस्टर के लिए मुझे यहाँ पर एक बात बोलनी है कि आप रिश्ते निभाओ, अच्छे से निभाओ, जिसके साथ भी निभाना है, लेकिन जब कोई रिश्ता आपको कंट्रोल करने लग जाए ना, तो उस रिश्ते को आप खत्म कर दो। कोई भी रिश्ते को आप ये हक मत दो कि वो आपको कंट्रोल करे कि आप इससे मिलो उससे नहीं मिलो, इससे मिलो तो उससे नहीं मिलो, इससे मिला तो हम ये कर देंगे, उससे मिला तो हम ये कर देंगे। सबसे खतरनाक रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपको कंट्रोल करते हैं। किसी का क्या हक बनता है कि वो आपको कंट्रोल करें कि आप इससे मिलें या उससे ना मिलें? किसी का कोई हक नहीं बनता। अगर के आपको ऐसे रिश्तों के साथ ही रहना है जो कि रिश्ते आपको कंट्रोल करते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है एक चलाना पड़ेगा ना, दोनों साइड नहीं चल सकती। किसी के कंट्रोल में मत रहो, किसी के कहने पे मत चलो। आपको जो खुद को पसंद है आप उस तरह से चले, अपनी आजाद लाइफ लेकर चले। किसी से डर कर हमने नहीं रहना, हमने अपनी आजाद लाइफ गुजारनी है। अल्लाह ने हमें ये जिंदगी दी है तो हम अपनी आजादी से गुजारें, ना कि किसी के डर से हम ये गुजारें। मैं बाकी सबके लिए बोल रही हूँ, ताहिरा सिस्टर को सिर्फ इतना बोलना है कि जो रिश्ते आपको कंट्रोल करें उन रिश्तों को खत्म कर दो। चलो अभी थोड़ा बहुत अपना हम व्लॉग शुरू करते हैं। बाकी ये देखो अम्मी का रूम आज हमने बिल्कुल साफ सुथरा चमका दिया। यहाँ पर बेडशीट चेंज की है, यहाँ पर सारी साफ सफाई की है, बेड के नीचे से सारा सामान निकलवा कर पूरा ना झाड़ू पोछा लगाया, तो आज देखो फर्श भी चमक रहा है पूरा एकदम। अम्मी का कमरा साफ सुथरा ना चमक रहा है। और अम्मी मैं आपको आपका कमरा दिखा रही हूँ, ये देखें जैसे आप छोड़ के गई थी बिल्कुल वैसा का वैसा है, बल्कि मजीद हमने और साफ सुथरा कर दिए। अब आपको कमरा याद कर रहा है, अम्मी का रूम अम्मी को याद कर रहा है। हम तो डेली जैसे सुबह आते हैं ना नीचे, यहाँ पर फौरन आती हूँ कि अम्मी यहाँ पे बैठती थी इस साइड से या इस साइड से या फिर ये जगह थी। हाँ तो इंशाल्लाह अम्मी भी जल्दी आ जाएंगी। बाकी आज हमारे घर पे बना हुआ है चिकन पुलाव, हर आए दिन यही बन रहा है, मैं क्या करूँ, लेकिन इतना मजे का बना हुआ है बहुत ज्यादा। आज इसको थोड़ा थोड़ा फीवर हो रहा है आयत को, दवाई मैंने दी तो है, तैयबा को भी और इसको भी, हाँ इसको भी सिरप दिया, अभी इसको भी दिया, दोनों मेरी बच्चियों को ना हल्का हल्का रात से फीवर है। उसका पाँव भी अच्छा खासा ठीक हुआ हुआ ना, दोबारा से जख्म ताजा हो रहा है, खत्म हुआ हुआ दोबारा। हाँ आज इस वजह से मुझे पाँव नहीं रख रही। क्या चाहिए? ये रहा, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, खत्म हुआ हुआ दोबारा से। आज देखो पाँव ऐसे करके चल रही है, ये देखो बिल्कुल ठीक हो गया, थोड़ा लाल लाल हुआ हुआ है दोबारा। साथ में ये मजेदार सलाद बनी हुई है लीमू डालकर, चटपटी। साथ में चलो मैं अभी थोड़े से चावल ट्राई कर लेती हूँ। अपने चावल लेकर आई हूँ अम्मी के रूम में बैठकर, मैं खाना खाने वाली हूँ। चलो यहाँ पे जहाँ अम्मी अपनी डिश हमेशा लेकर आया करती थी, आज मैं वहाँ पे बैठ के खाना खाने लगी हूँ। मुझे लगा वो आपकी फोटो बनाए। मम्मा आपसे एक सवाल पूछूं? पूछो, तैयब उठ के खाना खा लो ना थोड़ा सा मेरा बच्चा। अम्मी देखे हम आपके कमरे में बैठ के, आपके बेड पे बैठ के, आपकी जगह पे बैठ के खाना खा रहे हैं। आप आज हमारे साथ बैठ के खाना खाए। अम्मा बेड के ऊपर खाना ही नहीं खाने देती थी, तो बड़ा सा अम्मी का थाल होता था, बड़ा सा डिश होता था, उसमें रख के खाना बना लेके आती थी। तो अम्मी कभी भी बच्चे को किसी को बेड पे नहीं बैठने देती थी। आप मुझे एक चीज बोलो, मैं वो करूंगा, और अगर मैं जीता तो आप, मैं एक चीज बोलो, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है मेरे पास। तुम दोनों बीच में कुछ भी नहीं बोलना, ठीक है? ठीक है, अच्छा इन दोनों के साथ मतलब खेली हुई है। आ, मैं ना आपका बुलवाने की कोशिश करूंगा, आपने एक मिनट तक कुछ नहीं बोलना, ठीक है? बुलवाने की कोशिश? हाँ मतलब यानी कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको बुलवाऊं एक मिनट तक, लेकिन आपने नहीं बोलना है पूरे एक मिनट।
मैंने बात नहीं करूँ जी, एक मिनट मैंने बात नहीं करूँगी, ठीक है एक मिनट, ठीक है मतलब मेरे पास एक मिनट है, कुछ भी हो जाए मैंने बोलना नहीं है, नहीं बोलना ठीक है, मैं आपको बोलूंगा स्टार्ट, आपने बोलना स्टार्ट, लेकिन वो स्टार्ट गिरा नहीं जाना, ठीक है पक्की बात है, स्टार्ट नहीं रहेगा, 3 2 1 गो स्टार्ट। खुद ही बोला था नहीं बोलो, आपने कहा था स्टार्ट बोल रहे लेकिन वो स्टार्ट नहीं, स्टार्ट है चलो 3 2 1 स्टार्ट, यार आप बोलेंगी तो हाँ बोला तो स्टार्ट, चल आपने बोल अच्छा तो ये मेरे साथ गेम खेल रहे थे, ये मुझे बुलवाना है देख वो अपने भाई के, एक और बार ये कौन, चलो एक बार स्टार्ट, बोल दिया खुद ही बोला बोल के चुप हो जाना है, और उसके अलावा नहीं बोलना, आपने जो है ना फिर मैं बार बार आपसे वो कलर बुलवाने की कोशिश करूंगा, आपने नहीं बोला ठीक है, नहीं बोला ठीक है, ब्लू कलर आपने नहीं बोला, आपने किस कलर के कपड़े पहने हैं, ग्रीन, तैयबा ने किस कलर की पैंट पहनी है, ब्लैक, तैयबा ने किस कलर की शर्ट पहनी है, रेड, बोल दिया आपने का ब्लू नहीं बोला क्या पागल बनाया तुमने, बोला तो मेरे सही था ना, आपने कहा ये वाला रंग नहीं बोलना, उस टाइम हम खेल रहे थे ना, मरियम फातिमा सब ने बोला था, मैं चुप करके बैठी थी, मैंने रेड बोल के चुप, उन्होंने बोला आपने तो ब्लू कहा था अच्छा तो ये गेम खेलते रहते हो, एक मिनट तक ना आपको कुछ नहीं बोलना, तो मैं बुलवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है मैं स्टार्ट बोलूंगा, आपने स्टार्ट बोलना, स्टार्ट गिरा नहीं जाएगा, ठीक है स्टार्ट, स्टार्ट बोलना है लेकिन आपने स्टार्ट बोलना होगा, स्टार्ट बोलोगे तो शुरू होगा ना, वो गिना नहीं जाएगा, गिना नहीं जाएगा, वो नहीं गिना जाएगा, ये भाई गेम, अगर आप गेम के रूल ही फॉलो नहीं करोगे फिर आप बोलो सिर्फ स्टार्ट, स्टार्ट वो मैंने भी खेली है, स्टार्ट नहीं, स्टार्ट बोलना और आगे कुछ नहीं बोलना, मतलब स्टार्ट गेम शुरू हो गई है, ये क्रिकेट नहीं, नहीं नहीं आपने स्टार्ट बोलना है, उसे स्टार्ट के आपके स्टार्ट बोलने के बाद शुरू होगी, अगर आप स्टार्ट नहीं बोलेंगे गेम ही शुरू नहीं होगी, स्टार्ट बोल दिया मैं तो यही कह रहा अभी बोला है आपने, वो स्टार्ट काउंट नहीं हुआ था, उसके बाद जो बोला वो काउंट हुआ है, यही तो सारे कब से मेरे साथ भी यही कर रहे हैं आयत ये आपने क्या कर दिया, तोड़ दिया ये, कब से देख रहा हूँ तुरी नहीं लग रही, तो आपने तोड़ दी वो सारी की सारी, इतनी भरी हुई थी, इस तरफ इसके पंख भी झोंक गए थे, मैं इसे सुबह सुबह बाहर निकली हूँ, मैंने कहा यहाँ पर सब खाली खाली क्यों लग रहे हो, इतना भरा हुआ था तुरी की बेल से, वो सारी आपने तोड़ दी, कहाँ की है वो, कचरे वो देखो वो फेंक कर आए हैं सामने, ये देखो सामने सुबह सुबह ये काम आपने कर दिया, इसके पंख भी झुक गए थे इस तरफ से ना, वैसे ये तो है कि देखो हमारा ट्री सारा खराब कर दिया इसने, पूरा इसको नीचे झुका दिया, ये ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा था, ये देखो ऊपर वाले पत्ते देखो ऊपर की तरफ है टहनियां, अब ये नीचे की तरफ, ऊपर चलो सब तुरे लगते ना फिर भी चलो तसल्ली हुई, कुछ लग ही नहीं रहा था, कभी उधर से निकल रही है कभी ऊपर जा रही है, उधर भी चली गई, इस तरह से जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करे उसको जड़ से काट दिया जाए, जो आपको ऊपर ना जाने दे और नीचे की तरफ खींचे ना उसको जड़ से हटा दिया जाए, ये हाल आज ये वाला काम किया है, आज इस पे ना सही ये वाली लाइन फिट बैठी है कि हमारी हरी तुरी ना इस दरख्त को झुकाए जा रही है, झुकाए जा रही है और कुछ दे भी नहीं रही, सिर्फ नुकसान दे रही है, शराफत से ऊपर जा रही है ये तो खैर अच्छी है, अंगूर वाली अच्छी है, हरी तुरी वाली इतनी बड़ी फैल भी गई है, कोई तुरी भी नहीं लग रही और सारा दरख्त खराब हो रहा है, लगने की अलग बात है, फूल तो आता है, फूल भी नहीं है तुरी का, उसको देख के तसल्ली हो जाती है, नहीं नहीं ऐसे हमारा प्यारा सा ना गार्डन आप देखो खुला खुला, आप देखो हमारा गार्डन प्यारा और खुला खुला अच्छा लग रहा है ना इस तरह से, साथ में आपने फूल भी तोड़ दिए, वो तुरी को निकालते निकालते नीचे ना जमीन पे पत्ते इतने अच्छे लग रहे हैं, ये हमारे फूल भी छुप गए थे ना, एलोवेरा देखो अब कितनी अच्छी हो गई है ना, छोटी छोटी सी थी जब हम आए थे एलोवेरा, थोड़ी बॉडी बॉडी करनी कभी कचरा निकालना, काफी सारा तो मैंने निकाला भी है, आई थी यहाँ पर पानी और तब तक इसके स्कूल की छुट्टी हो गई, ये स्कूल से वापस आ गई है, तो देखो आप तो डेली कुछ ना कुछ लेकर आती है, क्या लिखा ऊपर मैंने देखने दो, मेहनती तालिबा, वाह तैयबा बहुत मेहनती है, हाँ इसमें सबसे ज्यादा आप मेहनती हो क्या, बहुत मेहनत करती, बाकी बच्चे भी हैं,
और आपकी फ्रेंड सब ठीक थी? कल रात इसको फीवर भी था, फिर भी सुबह छुट्टी नहीं करी, फिर भी स्कूल गई है। चलो जाओ यूनिफॉर्म चेंज कर लो मेरा शहजादा। ये देखो कितना बड़ा और प्यारा होता जा रहा है ना। मैंने कहा जिसको थोड़ा मैं सीधा कर दूं, इस साइड पर देखो पूरा उधर घुमा हुआ ना, बड़ी बड़ी जिसके पत्ते हैं थोड़ा इस साइड पर आ जाएंगे। आना है पानी वानी देना इनको, थोड़ी बहुत साफ सफाई करते हैं हम अपने छोटे से गार्डन की तरीके से। और बच्चों ने अपना हैंडमेड झूला बनाया हुआ है, एक तो एक साइड टूट गई है, यहाँ पर बीच में कुछ ना कुछ रख के पीलो रख के झूला झूलते रहते हैं इस पर। ये इनका खुद का बना हुआ झूला। तो ये हो गया है अभी नेक्स्ट डे। अभी मैं व्लॉग का एंड लेने लगी हूँ, दोपहर के 3 बज रहे हैं, आज मंडे का दिन है, आज मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। मतलब आज मैंने सोचा था कम्युनिटी लगा दूंगी कि व्लॉग मैं नहीं बना रही, फिर मैंने कहा आगे आए दिन कोई ना कोई, मुझे लगता है कि मसरूफियात की वजह से मजीद जो है ना अगले 2-4 दिन में कहीं ना कहीं छुट्टी हो जाएगी, तो आज नहीं करते आज। चलो थोड़ा बहुत जो भी बनाया वो अपलोड करते हैं। बाकी यही है कि ना बहुत ज़्यादा जब वहाँ पर टाइम देकर आती हूँ, बाकी जो घर पर आती हूँ तो थक जाती हूँ, और फिर थोड़ा बहुत बच्चों को टाइम देना उसमें फिर बन ही नहीं पाता, तो यही वजह है। बस इसी के साथ व्लॉग एंड करती हूँ, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मैं मिलूंगी कल आपको एक नया व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।